फेमस कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इस साल दूसरी बार पिता बन गए। कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने घर में आए नन्हे मेहमान की जानकारी कपिल शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट के जरिए दी। कपिल के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस उनके कमेंट बॉक्स में मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कपिल शर्मा को उनके कुछ फैंस इतनी जल्दी दोबारा पिता बनने पर ट्रोल भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खबर को सुनने के बाद क्या है उनके फैंस का रिएक्शन। दरअसल बच्चे के जन्म के बाद कपिल शर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, नमस्कार, आज सुबह मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। दोनों माँ और बेटे स्वस्थ हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए थैंक यू। एक तरफ तो कपिल के इस ट्वीट पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं कपिल शर्मा ट्रोलर्स के भी निशाने पर आ गए हैं। उनके फैंस का कहना है कि दिसंबर 2019 में ही कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी ने अपनी पहली संतान अनायरा को जन्म दिया था और दूसरे ही साल यानी साल 2021 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इस पर ट्रोलर्स ने उन्हें अपने दोनों बच्चों के बीच थोड़ा गैप रखने की सलाह दी है। एक ट्रोलर ने तो कपिल शर्मा से ये भी पूछ डाला कि आखिर उन्हें दूसरे बच्चे के जन्म की इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा इंतजार ही कर लेते। इसके साथ ही लोग कपिल शर्मा शो के एकाएक बंद हो जाने पर हैरानी जता रहे हैं। हर शनिवार और रविवार को टेलीकास्ट होने वाला कपिल शर्मा शो कल रात यानी कि रविवार को टेलीकास्ट नहीं हुआ। शो के टेलीकास्ट नहीं होने से फैंस शॉक्ड हैं कि बिना ग्रैंड फिनाले किए शो बंद कैसे हो गया। हालांकि खबर है कि अभी शो के पुराने एपिसोड को ही रीटेलीकास्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में कपिल शर्मा दोबारा इस कॉमेडी शो में नए फॉर्मेट के साथ वापसी करेंगे और इस बार शो में ऑडियंस भी होगी। खैर, अब इस 5 महीने के ब्रेक में कपिल अपने दोनों बच्चों को पूरा समय दे पाएंगे। इससे पहले भी लॉकडाउन में कपिल ने बेटी के साथ बहुत समय बिताया था। कपिल ने कहा था कि उन्हें पूरे वक्त बेटी के साथ रहने की आदत हो गई है। तो इस पूरी वीडियो पे क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। और बाकी एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।